नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार यादव और आप देख रहे हैं महाकाल भक्त चंदन। दोस्तों, अभी तक अपने घर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो और साथ में बेल आइकन भी दबा दियो ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। लव यू मेरे दोस्तों। जय माता दी। दोस्तों, कैसे हो आप सब? अगर अच्छा लगे तो मेरे भाइयों वीडियो को जरूर लाइक करना। नमस्कार दोस्तों, चलिए हम आपको सिखाएं कैसे एडिट हुआ माता रानी का फोटो। दोस्तों, अभी आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। सबसे तो यूनिक बात मेरे को ये लग रहा है, जय माता दी। दोस्तों, तो चलिए यहाँ वीडियो के स्टार्ट करें। नमस्कार दोस्तों, चलिए यहाँ से मैं बैकग्राउंड लेके यहाँ से सेंड करके और पिक्सआर्ट में गया। पिक्सआर्ट मेरे भाइयों खुल गया मेरे दोस्तों। यहाँ से मैं पिक्सआर्ट खोल लिया। पिक्सआर्ट खोलने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ से मैं ऐड फ़ोटो कर रहा हूँ। ऐड फ़ोटो में जाकर माता रानी के फ़ोटो को चूज कर ले रहा हूँ। चूज करने के बाद मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ से पकड़ के, आप ही अपना कर लेना मेरे दोस्तों। और यहाँ से मैं फ़ोटो को जूम कर ले रहा हूँ, साइज अपना मिला रहा हूँ दोस्तों। अब मैं डन कर रहा हूँ। डन करने के बाद मेरे भाइयों यहाँ ऐड फ़ोटो कर रहा हूँ और यहाँ से ग्रास ले रहा हूँ। यहाँ से मैंने ग्रास लेके लगा दिया, उसके बाद रन कर रहा हूँ। रन करने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ ऐड फोटो में जाके मैंने रिसेंट में जाके और मैंने क्रॉप्ट करके रखा हूँ मेरे भाइयों। आपको तो क्रॉप्ट करने का तरीका सिखाया था ताकि वीडियो लंबा हो जाए, इसके चलते मैं क्रॉप्ट करके रखा हूँ दोस्तों। यहाँ से मैं फ़ोटो चूज कर ले रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले इस फ़ोटो को इधर कर ले रहा हूँ और इस फ़ोटो को यहाँ जाके मैं डाल दे रहा हूँ। डालने के बाद मैं फ़ोटो को जूम कर ले रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ इरेजर लेके और यहाँ से साइज को बढ़ा दीजिए, हार्डनेस ठीक है, और फ़ोटो को जूम करके थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दीजिए ताकि लगे कि ग्रास यानी कि घास पे ही आपका हाथ है और पैर। और उसके बाद यहाँ से इसको सेव कर ले रहा हूँ और इसको फ़ोटो को लेके और यहाँ से इसको डिजाइनिंग को मैं यहाँ से डाल दे रहा हूँ। डालने के बाद मेरे दोस्तों इसको मैं ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद मेरे दोस्तों अब टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद लिखेंगे जय। जय लिखने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ से अपना फ़ॉन्ट चूज कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ से मैं चूज कर लिया ये फ़ॉन्ट को। और उसके बाद यहाँ देखिए कॉलर पे क्लिक करेंगे और बीच में जाएंगे। बीच में जाने के बाद अपना ऊपर एक चूज कर लेंगे और अपना साइड वाला भी एक चूज कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद चूज करने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, आपको दिखा रहा हूँ, इस पर क्लिक करके और यहाँ पहले अपना पोजीशन ले लेंगे। पोजीशन आपको जिधर चाहिए, और उसके बाद ब्लर करेंगे यहाँ से ब्लर करके ताकि देखिए आपको पीछे दिखाई दे। उसके बाद यहाँ से अपना कर लेंगे। उसके बाद आप कलर चूज करेंगे कौन सा, देखिए पीछे, हाँ देखिए। उसके बाद लाइट उठा लिया। उसके बाद यहाँ मैं चिपका रहा हूँ जय माता दी लिखना है, जय अब माता लिखना है, जय माता दी, जय माता। दोस्तों ऐसे ही आप अपना कर लीजिएगा मेरे भाइयों। अगर कोई भी दिक्कत हो बेचक मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, हमसे जितना हेल्प होगा हम आपको करेंगे दोस्तों। आप सबको भाई समझता हूँ इसलिए इतना हेल्प करता हूँ। अगर कोई भी दिक्कत हो बेचक बताइए, आप सबका हेल्प करता रहता हूँ। जय माता दी, ऐसे अभी बताया आपको कलर चूज करने का तरीका। आप चूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे और यहाँ से फॉन्ट में जाके अपना जो भी फॉन्ट लगाना चाहते हो लगा सकते हो मेरे दोस्त। तो कोई भी दिक्कत हो बेहिचक आप मेरे को बताइए, और आपसे नहीं होगा हम खुद से करके देंगे दोस्तों, क्योंकि आप सब मेरे फैमिली मेम्बर है। फैमिली मेम्बर क्या होता है, एक दूसरे को परेशानी को समस्या को हल करना, सॉल्व करना दोस्तों। हमसे जितना हेल्प होगा हम करते रहते हैं। अच्छा तो मेरे भाइयों वीडियो एडिट हो गया, आप देख सकते हैं। जय माता दी दोस्तों। अगर कोई भी दिक्कत हो बेहिचक बताइए, अगर आपसे नहीं होगा हम करके देंगे मेरे भाइयों।